अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास का इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ये जो SLO बेस्ड आपका मॉडल पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, और आपके तमाम के तमाम MCQs जो होंगे वो ग्रामर में से और फिगर ऑफ द स्पीच में से आएंगे। तो ये मॉडल पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने तैयारी किस तरीके से करनी है और MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने तवज्जो के साथ पढ़ना है। तो पहला आपका जो MCQ है, दैट इज़ आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग। ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग, ट्रांजिशनल डिवाइसेज मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो आपने जिसके ऊपर मैं एक मुकम्मल लेक्चर डिटेल के साथ दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन से आपको पूरे कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आपने देखना है कि ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग इसमें से कौन से सेंटेंस के अंदर यूज़ हुई है। ही ऑलवेज कम्स लेट, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बताया गया। ही इज़ ऑनेस्ट बट हिज फ्रेंड इज़ नॉट, इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं बताया गया। इन ब्रीफ द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं बताया गया। ही वॉज लेट देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, तो इसमें हमें सीक्वेंस मिलता है कि वो लेट था नंबर वन, फिर उसका जो सेकेंड जो उसका स्टेप है वो ये है कि उसको लेट होने की वजह से उसको सज़ा मिली। तो ऑप्शन डी जो है ये आपके क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नैरेटिव लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम इमेजिनेशन नॉट प्रेजेंटेड एज फैक्ट दो इट मे बी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और सिचुएशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं ऐसा नैरेटिव लिटरेचर जो कि इमेजिनेशन से क्रिएट होता है, ठीक है, और उसको फैक्ट के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो ऐसे लिटरेचर को हम कहते हैं फिक्शन लिटरेचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे ना जो जॉनराज ऑफ लिटरेचर हैं, जो टाइप्स ऑफ लिटरेचर हैं, उसके हवाले से आपके पास इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, रिकग्नाइज द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो आपने बताना है कि चार सेंटेंसेज दिए हैं, इसमें से पर्सोनिफिकेशन किस में यूज़ हुई है। तो पहला जो सेंटेंस है, द स्टोरी जंप्ड ऑफ द पेज, ठीक है, कि कहानी जो थी मतलब एक सेंटेंस यूज़ करते हुए आपको बताया गया कि द स्टोरी जंप्ड ऑफ। अब जंपिंग जो है दैट इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, तो जब आप नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो सेंटेंस नंबर ए जो है इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद द डेब्रिस ऑन द स्टेडियम फ्लोर इंक्लूडेड न्यूमरस पेपर कप्स टिकट स्टब्स एंड सिगरेट पार्ट्स। द अंडरलाइन वर्ड रेफर्स टू डेब्रिस का क्या मतलब होता है, तो डेब्रिस का यहाँ पे चार मतलब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, रैकेज, ठीक है, तो स्प्लिंटर्स और ट्रैश और गार्बेज। तो ट्रैश और गार्बेज में कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई ट्रैश करेक्ट ऑप्शन आएगा या गार्बेज आएगा। तो गार्बेज बेसिकली जो वॉशरूम्स वगैरह का किचन का जो कूड़ा क्रिकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं। जबकि ट्रैश वो होता है जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कागज़ के टुकड़े हो गए, शापर के टुकड़े हो गए, वही वेस्ट मटीरियल के टुकड़े हो गए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ट्रैश है, क्योंकि इसमें पेपर कप्स, टिकट स्टब्स और सिगरेट बट्स वगैरह, तो ये सारा का सारा ट्रैश में आता है। अच्छा, कैन यू डिड्यूस मीनिंग फ्रॉम द टेक्सचुअल क्लूज, तो आप इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या मतलब है। डिड्यूस का मतलब होता है मतलब निकालना, इनफर, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग्स में से है, ये भी वोकैबलरी में से है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है, वोकैबलरी में से है। तो दो हमारे पास क्वेश्चन जो थे वो वोकैबलरी में से आ गए। उसके बाद मिस्टर एलिस इज अ स्नेक, यू शुड बीवेयर ऑफ हिम, तो नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज। तो आपने ये जो वर्ड स्नेक है, हर लफ्ज़ के दो मतलब होते हैं, एक उसका पॉजिटिव कॉनोटेशन होती है और एक उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, यानी कि उसको किस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो नेगेटिव मीनिंग बनता है वो चार आपके पास ऑप्शन है, कनिंग, पॉइजनस, चीटर या स्केली। तो स्केली तो इसका क्या है, लिटरल और पॉजिटिव कॉनोटेशन है, जबकि पॉइजनस जो है दैट इज़ इट्स नेगेटिव कॉनोटेशन। तो पॉइजनस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड दैट मीन्स वाटर टैंक फॉर फिश फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेम वर्ड एक्वा, ठीक है। तो मतलब ऐसा बड़ा टैंक जिसमें मछलियों को रखा जाता है उसको हम एक्वेरिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद विच वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस बिलो शोज द फंक्शन ऑफ एबिलिटी, तो फंक्शन ऑफ एबिलिटी कौन से मॉडल वर्ब में यहाँ पे शोर है, क्योंकि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए आते हैं, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रॉबेबिलिटी के लिए। तो इसमें यू नीड नॉट वरी, आई ट्राइड माई बेस्ट बाई कुड नॉट बट कुड नॉट पिक इट अप, यू हैव टू लीव दिस प्लेस और मे आई कम इन सर। अब इसमें मे आई कम इन सर और आई ट्राइड माई बेस्ट, इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जो ऑप्शन डी है दैट इज़ फॉर रिक्वेस्ट, जो ऑप्शन बी है दैट इज़ अबाउट एबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द यूज़ ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब किस में यूज़ हुआ है। द ट्रेन अराइव्स एट 3, कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। सॉरी बट आई हैव टू लीव, इसमें भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। शी लिव्स ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी, इसमें भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। शी लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल, तो इसमें लेफ्ट जो है दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका एक्शन जो है द कीज़ जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इसको रिसीव कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन ऑफ टाइम,
प्रपोजिशन ऑफ टाइम यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज. तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम इसमें कहाँ पे यूज हुई है, द बैंक इज ऑन द फैसल लेन, ही लेफ्ट फॉर कराची ऑन मंडे, ही इज ऑफ्टन ऑन बेड रेस्ट, और यू स्टैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. तो इसमें ही लेफ्ट फॉर कराची ऑन मंडे, ऑन मंडे इसमें क्या है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम है. उसके बाद आइडेंटिफाई द इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन आपने इसमें से ढूंढना है. आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ भी इनडेफिनेट प्रोनाउन ही नहीं है. अच्छा, दिस इज नॉट माई फॉल्ट, माई भी इसमें क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है. नो वन कुड आंसर, तो नो वन जो है यहाँ पर क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि सॉर्ट आउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपने इसमें से फाइंड आउट करना है. अच्छा, सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, ही बॉट सम शुगर, सम बुक्स वर स्टोलन, समथिंग वेंट रॉन्ग. ठीक है, तो अब इसमें देखें, यहाँ पर भी सम का वर्ड आया हुआ है, यहाँ पर भी सम है, लेकिन देखें जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, अब देखें सम पीपल जब आप कहते हैं तो आप पीपल की क्वांटिटी नहीं बता रहे होते. ठीक है, सम बुक्स जब आप कहते हैं तो आप बुक्स की क्वांटिटी नहीं बता रहे होते, लेकिन जब आप कहते हैं कि ही बॉट सम शुगर, तो आप इस शुगर की क्वांटिटी के हवाले से बात कर रहे हैं. सो दिस मीन्स के ऑप्शन बी के अंदर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हुआ है. अच्छा, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, ही फाउंड वाटर फ्रॉम नोवेयर, गिव मी योर पेन. तो अब इसमें हम्प्टी डम्प्टी भी क्या है, कंक्रीट नाउन है, इसमें वाटर भी कंक्रीट नाउन है, इसमें पेन भी क्या है, कंक्रीट नाउन है. सो दिस मीन्स के जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी क्या है, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. पहला ही इज डूइंग हिज वर्क, सिंपल सेंटेंस है. स्टे हेयर और गो टू योर होम, कंपाउंड सेंटेंस है. आई बॉट टिकट एंड बोर्डेड द ट्रेन, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है. तो जो ऑप्शन सी है, इफ ही कम्स आई विल गो, दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज किसमें है, ही बॉट अ कार ऑफ अ न्यू मॉडल, द डॉग चेज्ड हिम एवरीवेयर, ही वॉन्टेड टू गो होम, द काइट फ्लाइज अप एंड अप. तो इसमें जो ऑप्शन ए है, दैट इज यू नो, इसमें द ही बॉट अ कार ऑफ अ न्यू मॉडल जो है, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज. तो दिस मीन्स के ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. तो आज हमने नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का जो एमसीक्यू पोर्शन था उसको हमने सॉल्व किया. इसका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो भी मैं आपके साथ सॉल्व करके शेयर करूंगा. और अब यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपके एमसीक्यूज के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी एमसीक्यूज में से 15 में से 15 नंबर लेने के लिए. लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसकी मुकम्मल तैयारी का प्लान बना लिया है. और 50 लेक्चर्स जो हैं एसएलओ बेस्ड ग्रामर के, वो मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ अपलोड कर चुका हूँ. और जब आप ये देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह पूरा का पूरा एसएलओ बेस्ड जो आपका ग्रामर का पोर्शन है वो सॉल्व हो चुका होगा. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको पूरे कोर्स का लिंक मिलेगा, जाके ज़रूर इसको चेक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.